एक ऐसे ऑफिसर के बारे में बात करने वाले हैं जो क्रिमिनल्स के लिए किसी बुरे सपने की तरह बन गए थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के पटना के रहने वाले आईपीएस मनु महाराज की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कार को किसी और ने नहीं बल्कि आईपीएस मनु ने खुद चुराया था। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मनु महाराज ने कार से पिछले चुराई ताकि उन्हें पता चल सके कि पुलिस सही तरीके से अपनी ड्यूटी को पूरा करती भी है या नहीं। लेकिन जब मनु कार लेकर वहां से चले गए तो काफी देर तक तो किसी पुलिस ऑफिसर ने नोटिस ही नहीं किया और ये बात मनु महाराज को खटक गई थी। उन्होंने वहां के सारे पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया और उन्हें वार्न किया कि अगर एक और बार किसी ने अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज किया तो वो उनके करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा कहा जाता है कि बिहार में जहां भी कानून का उल्लंघन होता है वहीं पर आईपीएस मनु महाराज को अपॉइंट किया जाता है। जहां भी उनका ट्रांसफर हुआ वहां हर बार उन्होंने मिनिमम क्राइम होने दिया है और कई आरोपियों को तो सलाखों के पीछे भी डाला है। ऐसा ही एक और किस्सा आपको सुनाते हैं, जब दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन के दो बेटों को नक्सलियों ने किडनैप कर लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि बात अक्टूबर 2016 की है। अक्टूबर 2016 में मनु महाराज ने 100 पुलिसमैन की एक टीम को लीड किया था और पटना से 160 किमी ईस्ट में बिहार के लखीसराय जिले में काजरा हिल्स में इलाके के अंदर 15 किमी पैदल चलकर दिल्ली के उन दो बिजनेसमैन भाइयों को छुड़वाया था। मनु महाराज के इस थ्रिलिंग एनकाउंटर में दोनों भाइयों को सुरक्षित बचा लिया गया और गैंग के 5 मेंबर्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। दोस्तों, पुलिस ने इनके पास से हथियार, गोला बारूद, खाने पीने का सामान और ड्रग्स बरामद किए थे और दोनों भाइयों ने किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ने के बाद में आईपीएस मनु महाराज का शुक्रिया भी अदा किया था। आपको बता दें कि मनु जब भी किसी मिशन पर जाते हैं तो अपनी AK-47 को कंधे पर रखकर बड़े ही स्वाद के साथ जाते हैं और इसलिए उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। मनु महाराज को 2016 में रिपब्लिक डे के ओकेजन पर वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित भी किया गया था। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और नया लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है तनु चौहान।